हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और क्या चल रहा है आपका? आई होप सो कि सब सही चल रहा हो, और यहाँ भी सब सही चल रहा है, लेकिन हमारी मैम लगा गया अपने सर पे तेल। देखो, ये हफ्ते में नहीं, सॉरी, हफ्ते में नहीं, कितने दिन में तेल लगाती है सर पे? 4 महीने में एक बार तेल लगाती है और हाँ, 8 महीने में सर धोती है। अच्छा। बेटा, हमको नहीं सिखाइए, समझ गई? हमको नहीं सिखाइए। आई बड़ी, तो आज हम अपने घर में लाए नई बुगनी। बुगनी यानी कि हिंदी में बोलते हैं से गोलक। और मैं इस पे लगा रहा हूँ दान पात्र, जिसके अंदर दान सिर्फ मैं डालूंगा और हमारी धर्म पत्नी डालेंगी। और तो कोई नहीं डालेगा ना इसमें नो तू और मैं सिर्फ दान डालेंगे इसके अंदर। और जब इसमें दान पात्र भर जाएगा तो हम इससे कोई अच्छा काम करेंगे, कोई भी दान पुण्य का काम करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं यार अश बुकनी को अपने तेरा और मेरा दान पात्र बनाऊंगा, इसमें तू और मैं दान डालते क्यों रहेंगे। भाई, रूम आपने इतना फैला क्यों रखा है? मेरी मर्जी, पूरे पूरे रूम में कपड़े ही कपड़े क्यों फैले मैं हुए चाहे हैं? ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये पागल हो चुका है, और कोई बात नहीं पागलपंती भी जरूरी है मेरे दोस्त, है। पागलपंती बहुत जरूरी है। सीरियस होके कहाँ जाओगे, जिए तो पागलपन के लिए। जैसे कि पागलपन का मतलब ये होता है कि मेरी मर्जी, तुम समझी, ये पागलपन है। खुश रहो, दुनिया में रहना है तो दुखी तो आत्मा भी होती है। ये दुखी तो आत्मा भी होती है, सही बात है। अगर तुम आत्मा हो तो तुम दुखी रहो, अगर खुश हो तो खुश रहो। इंसान क्या को लगा दिया उसके ऊपर? दान पात्र, जिसमें तू दान डालेगी और मैं दान डालूंगा। देख कुछ नहीं रहा। आपने क्या लिखा है इसके ऊपर? ये दिखाइए। ये रहा दान दान पात्र। पात्र ने क्या किया, मैं नहा रहा था वॉशरूम में, मुंह पे मेरे साबुन लगा था। अब मैं वहां से, यहां से उठा, इससे चौकी से उठा, मेरी आंखों में साबुन लगा था, मेरे हाथ में रखे तो मैंने सोचा शैम्पू मिल गया, तो ऐसे ऐसे करके मेरे हाथ में ये आ गया वी वॉश। मैंने इसको अपने हाथ में डाला, आंखें नहीं बंद थी, मैंने यूं मलने लग गया, मलने लग गया, मलने लग गया। मैं थोड़ी देर देखा, मेरे को ये बाल चिपके चिपके क्यों लग रहे हैं। बाद में ध्यान आया, मैं ऐसा लग गई और खुशबू लग गई, मैं ये हो क्या रहा है। बाद में ध्यान दिया, मैंने कहा कहीं वी वॉश लगा दिया, और वहां के मैंने मुंह धोया अपने वॉश में फटाफट करके। तो बाद में मैंने ध्यान दिया और मैंने कहा साला ये मैंने ऐसे रखा था और बाकी में ऐसा रखा, और मेरी वो से मैंने सारा धो दिया। बताओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। से मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं आगे से, ये देख चिपके चिपके। तेरे भाई के घर से जब से आया हूँ मैं बीच वो लगा के ऐसे, क्या ये मैंने आज अपना भी वॉश से मुंह धो लिया। तो एक काम कर भैया, वीवो से डाले ऐसे, तो कोई मेहमान आ गया ना तो वीवो से पूरा नहा लेगा, उसको पता नहीं हुआ ना वीवो से क्या होता है, तो वो, हाँ तो वो नहा ही लेगा पूरा शॉवर जैसे समझ के वीवो से। क्या कह रही है? शर्ट दे दो मेरे को, पॉटी आ रही है बहुत तेज। अरे तो मेरी शर्ट पर पॉटी करेगी क्या? मेरी शर्ट की अरे बालों में ऑयल लगाया है इसलिए चाहिए। तो ये बोल रहा कि शर्ट दे दो, लेटना है मुझे नीचे बिछा के। कह रही है शर्ट दे दो, पॉटी आ रही है बड़ी जोर से। अब मैं कहा मेरी शर्ट के ऊपर पॉटी कर रही है, बताओ यार ये या लड़की क्या, यार क्या झल्ली मेरे पल्ले पड़ी। तू मेरे को एक बात का जवाब दे, तूने मेरी टी शर्ट अपने पिल्लों पे बिछाई है ठीक है, और सोती तू आके मेरे पिल्लों पे है, तो एक बात बता कि चक्कर क्या है? हैं, बिछाती है अपनों पिल्लों पे है और सोती तू मेरे पिल्लों पे आके है। किसके पास? पापा के पास। पापा के पीछे होता है बच्चा, रात को थप्पड़ भी खाता, फिर जोर से मुंह पे, फिर ऊ करता, फिर जुजू पीता बोतल में।